हाय फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी जॉब वैकेंसी नहीं आ रहा था, तो बहुत दिन बाद एक जॉब वैकेंसी आ चुका है। आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या जॉब वैकेंसी आया है, उसमें क्या क्या है, वो सब अभी हम बताएँगे। थोड़ा देर रुक जाइए। बात दरअसल ये है कि जो टॉपिक हम पहले बता चुके हैं, आज उसी टॉपिक को मैं फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि किस चीज़ का जॉब वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। बात दरअसल में यह है कि आपको तो पता ही होगा, इंडिया से बाहर गल्फ़ में, सऊदी, कतर, दुबई, ओमान, हर जगह में मतलब कि पेट्रोल का कंपनी यानी कि पेट्रोल बनता है, ठीक है। हालाँकि उसको बनने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर से होकर के गुजरना पड़ता है। आपको सारा प्रोसीजर उतना डिटेल्स में नहीं बता पाएंगे, अगर बता भी देंगे तो आप लोग को उतना डिटेल्स से समझ में नहीं आएगा। बाद में हम एक अच्छा सा एनिमेशन वीडियो बना के डिटेल्स में समझाएंगे कि आखिर फाइनली पेट्रोल बनता कैसे है, उसको किस किस प्रोसीजर से होकर के गुजरना पड़ता है। तो मैं बस शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ कि पेट्रोल को मतलब कि फाइनल पेट्रोल बनने तक में जो प्रोसीजर होता है, उस जो मतलब कि जो उसको फिल्टर करता है, वो इक्विपमेंट जब ख़राब हो जाता है, बहुत सारा इक्विपमेंट होता है ख़राब हो जाता है, तो उसको मतलब कि क्लीनिंग विलीनिंग करने के लिए, उसको साफ़ सफाई करने के लिए, उसको फिर से बनाने के लिए, उसका मेंटेनेंस करने के लिए इंडिया से बहुत सारे वर्कर लोग को बुलाए जाते हैं, ठीक है। इसमें से इंडिया के कोना कोना से वर्कर लोगों को मतलब कि बुलाया जाता है, जिसमें से होता है बहुत सारा आदमी पंजाब से होता है, झारखंड से होता है, यूपी से होता है, बंगाल से होता है, ठीक है, गुजरात से होता है, मुंबई से होता है, उड़ीसा से होता है, असम से होता है, नेपाल से होता है, मतलब कि अलग अलग कंट्री से भी, पाकिस्तान से होता है, अलग अलग जगहों से मतलब कि हायर किया जाता है आदमी लोग को काम करने के लिए। ऐड दिया जाता है, प्रचार किया जाता है कि भाई साहब यहाँ पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जो भी आदमी आना चाहता है काम करने के लिए वो काम करने के लिए आ सकता है, ठीक है। अब इसमें कि होता है कि मतलब कि भेजने के लिए जो मतलब कि वर्कर लोग को वहाँ से, इंडिया से जो विदेश भेजता है, जैसे मैं अभी कुवैत में हूँ, यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं थोड़ा कैमरा घुमा लेता हूँ, देख सकते हैं आप, थोड़ा धीरे धीरे कैमरा घुमाते हैं और ये मैं यहीं से वीडियो पर थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। थोड़ा स्पीड से घुमा देंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे घुमा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वो पीछे वाला बिल्डिंग में रखा है, वो एक्चुअल में क्या है कि ये एक बीच चारों तरफ से बिल्डिंग है और बीच बीच में मतलब कि कार पार्किंग है, ठीक, कार पार्किंग है। आपको थोड़ा कैमरा नीचे करके भी दिखा दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्या है एक्चुअल में कि ये कार पार्किंग है, रियल में ये कार पार्किंग है, लेकिन चारों तरफ से अगर देखा जाए तो मतलब कि बिल्डिंग है। हमको भी सामने वाले बिल्डिंग में रखा, हम लोग को कंपनी रखा है, ठीक है। ये महबूला है, महबूला ब्लॉक वन है और इसी यहीं पे हम लोग रहते हैं। वो सामने वाला जो बिल्डिंग दिख रहा है वही सामने वाला बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं, ठीक है। और यहीं पर कार पार्किंग में नीचे आ करके हम अभी थोड़ा सा वीडियो बना रहे। तो मेन मकसद मेरा यही बताना था कि जॉब वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो ऑफिस जो हम बता दे रहे, ऑफिस के बारे में थोड़ा डिटेल से हम बात कर लेते हैं। जो ऑफिस होता है, जो मतलब कि काम करने के लिए बाहर भेजता है, ठीक है, जो काम करने के लिए भेजता है, उसको रजिस्टर लाइसेंस होता है कि सिर्फ वही ऑफिस ही भेज सकता है बाहर काम करने के लिए। बहुत सारे वर्कर लोगों को, जिसमें से स्टाफ होता है, स्टाफ मतलब वर्कर मतलब काम करने वाला आदमी, ठीक है, और उसका सुपरवाइज़र भी होता है। तो जो अभी वैकेंसी आया हुआ है, मैं उसमें सुपरवाइज़र का मैं बात करने वाला हूँ। बाद में वर्कर लोग का भी वैकेंसी आता है, उन लोग को भी मतलब कि वैकेंसी आता है, ठीक है। मेरा ईयरबड्स गिर गया, थोड़ा उसको उठा लेते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि सुपरवाइज़र का भी वैकेंसी आया हुआ है, मेंटेनेंस करने वाला का जो, ठीक है। तो उसका इंटरव्यू में क्या क्या पूछता है, सब वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगा आपको, मैकेनिकल फिटर क्वेश्चन आंसर करके, उसमें सारा प्रोसीजर का क्वेश्चन आंसर मैकेनिकल सुपरवाइज़र का मतलब कि हम बना चुके हैं, ठीक है। आप जा सकते हैं उस वीडियोस को देख सकते हैं और इंटरव्यू आप निकाल सकते हैं। और एक ख़ास बात बता देते हैं, सैलरी का बात बता देते हैं। सैलरी दोस्तों सुपरवाइज़र का, स्टैटिक सुपरवाइज़र का 80 से 90 हज़ार मिल जाएगा आपको। रोटरी का भी वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है।
नवंबर तो ख़त्म हो गया, उसका इंटरव्यू दिसंबर में चलने वाला है। आप ऑफिस कॉल करके इंटरव्यू के बारे में पूछ सकते हैं, दिसंबर में उसका इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। आप ऑफिस फ़ोन करके पूछ, फ्लाइट कब होगा वो भी, उसका भी आप ऑफिस फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए जॉब वैकेंसी की तरफ ले के चलते आप। जैसा कि दिखाई दे रहा होगा आपके स्क्रीन में, ओमान के लिए, ठीक है, वैकेंसी है। ये शट डाउन नहीं है, लॉन्ग टर्म है, ठीक है। FMM प्रोजेक्ट, ए लार्ज ग्रुप कंपनी अर्जेंटली रिक्वायर्ड द फॉलोइंग। खाना पीना फ्री है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, ऑनलाइन इसका इंटरव्यू रहेगा। आप स्क्रीन में दिख रहे नंबर में फ़ोन कर सकते हैं, ये ऑफिस का नंबर है। जब आप स्क्रीन में दिख रहे नंबर फ़ोन करेंगे 0226912770 तो आपको इंटरव्यू के लिए ऑफिस बुलाएगा। जब इंटरव्यू होगा ऑफिस वाला ही आपका इंटरव्यू लेगा ऑनलाइन, ठीक है। ओमान में एक आदमी बैठा रहेगा, वो आपको ऑनलाइन इंटरव्यू लेगा। क्या क्या पोस्ट है थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सैलरी के बारे में भी आप ऑफिस कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं आपका वीज़ा भेज दूँगा। कोई आपसे बोलता है कि आपका वीज़ा भेज देंगे, पैसा दे दो, ऐसे वैसे, तो सब चक्कर में नहीं पड़ना आपको। डायरेक्ट अगर काम करने के लिए विदेश जाना है तो इसी तरह का रजिस्टर्ड ऑफिस के थ्रू ही जाएँ। तो जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या वैकेंसी आया हुआ है, मैकेनिकल सुपरवाइज़र है, फ्री रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मतलब कि ऑफिस चार्ज कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ मेडिकल का पैसा लगेगा, वो भी जा करके आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल का सुपरवाइज़र, ये भी फ्री रिक्वायरमेंट है। इंस्ट्रूमेंटेशन का चार्ज हैंड चाहिए, चार्ज हैंड भी एक तरह से सुपरवाइज़र का नीचे रहता है, वो भी मतलब कि आदमी देखता है। मैकेनिकल का भी चार्ज हैंड चाहिए। HV हैवी वोल्टेज इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हैवी वोल्टेज AC टेक्नीशियन चाहिए, ठीक है। बस इतना ही वैकेंसी। ऑफिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात कर लेते हैं। ऑफिस टैलेंट्रियो है, ठीक है। इस ऑफिस का मतलब कि अच्छा अच्छा वैकेंसी आते रहता है, जो कि मैं अपने YouTube चैनल में अपलोड करते रहता हूँ। ये ऑफिस वाले से मेरे कॉन्टैक्ट है, तो मतलब कि ये हमको भेजता है, तो हम इसी के बारे में वीडियो बना के डाल देता हूँ, ठीक है। और एक बात बता दें, मैकेनिकल सुपरवाइज़र में ऊपर में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, स्क्रीन बता दे रहा है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। अगर डिप्लोमा नहीं भी होगा तो चलेगा, आप हमारे सारे वीडियोस को देख के इंटरव्यू निकाल सकते हैं। डिप्लोमा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बस कहा जाता है कि काम का हुनर होना चाहिए, आप आजकल एजुकेशन होना उतना ज़रूरी नहीं है। स्टैटिक एंड रोटरी इक्विपमेंट्स इन पेट्रोलियम फर्टिलाइजेशन इंडस्ट्रीज, कंप्यूटर लटर पटर जो भी है, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप ऑफिस फ़ोन करके पूछ सकते हैं सैलरी वैलरी के बारे में, ठीक है। याद रखें दोस्तों, विदेश ले जाने के बारे में आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस तरह के फ्रॉड से सावधान रहे। कोई भी कंपनी आपको बोलता है कि आपका टिकट आ गया, वीज़ा आ गया, तो थोड़ा सा सावधानी से इसको थोड़ा जाँच लें अच्छा से, ठीक है। फेक वीज़ा आ रहा है, फेक टिकट आ रहा है, तो और बाद में उसको पैसा दे। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे यूट्यूब चैनल में इसी तरह नया नया वीडियो आते रहेगा, और आगे आने वाला वीडियोज को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को थोड़ा और लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी गरीब आदमी है, विदेश जाना चाहता है, पढ़ा लिखा बेरोजगार बैठा हुआ, वो भी अपना थोड़ा कुछ पैसा कमाए और अपना पेट भर सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।